घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभाव वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने अभी अभी देखा, मैंने राग यमन में एक बंदिश आपको सुनाई और उसके कुछ वेरिएशंस आपको सामने मैंने प्रस्तुत किए। आज के टॉपिक में मैं यही सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे जब हम एक राग गाते हैं तो जो मुखड़ा है यानी जो उसका स्थाई है उसको कैसे सजाया जाता है, अलग अलग लयकारियों से अलग अलग मात्राओं में उसको लाकर जब गाया जाता है तो कैसे सजता है मुखड़ा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, रियाज ऐप, जो कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि हम कर्नाटक, हिंदुस्तानी, बॉलीवुड, क्लासिकल हर प्रकार का संगीत सीख सकते हैं घर बैठे। और उसके जो भी उसमें अगर आप प्रोमो कोड भी डालते हैं SPW का, तो आपको 10% का बेनिफिट मिलता है। उसका प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में है, उस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं, रियाज ऐप डाउनलोड कीजिए और सीखिए। तो अब जब ऐप की बात हो ही चुकी है तो आइए जानते हैं हम इस टॉपिक पर, आगे बात करते हैं कि कैसे एक राग को अलग अलग वेरिएशंस देकर गाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ख्याल है हमारा जो तीन ताल में निबद्ध है ना, यानी तीन ताल आप सभी जानते हैं, यहाँ से अगर हम गिनें एक से धा धिन धिन धा धिन 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 धा तिन तिन ता धिन धिन धा, तो इसका जो ख्याल है वो यहाँ से उठता है, छोटा ख्याल। सबसे पहले हम ख्याल के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि हम लोग ख्याल से क्या समझते हैं। ख्याल जैसा कि एक उर्दू लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं विचार, थॉट्स, उसको ख्याल कहते हैं, इट्स ऑल इमेजिनरी, है ना। तो वही चीज़ है जब हम उस चीज़ को गाते हैं, वो जो एक शब्द रचना है उसमें उस राग की जो स्वर संगतियाँ हैं जिससे कि वो राग बनती है ना, उन स्वर संगतियों की एक कंपोजिशन उन शब्दों पर बिठाई गई, यानी बेसिकली एक गीत की रचना हुई है। ये देख रहे हैं आप कि शब्द और धुन मिला के एक गीत बना है ना। फिर जब उसको हम गाने लगे, अब उसमें विस्तार करना है, जब राग में विस्तार की बारी आती है तो कैसे करते हैं हम विस्तार, टोटली उपज का काम होता है उसमें कि राग की जो स्वर संगतियां हैं, राग का जो चलन है यानी उसकी प्रकृति क्या कहती है, कौन से स्वर का लगाव कैसा है, कौन से स्वर संवाद बैठेंगे, उनको हम मद्देनज़र रखते हुए उसका विस्तार करते हैं। उसमें आलाप होते हैं, फिर उसमें बोल आलाप होते हैं, उसमें ताने होती हैं, उसमें आकार की ताने होती हैं, बोल की ताने होती हैं, तो बेसिकली विस्तार
दो ही ढंग से होता है उसका, उसको हम बढ़त भी कहते हैं राग की, जिसमें राग में आलाप होते हैं फिर राग में ताने होती हैं। लेकिन अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो हम आलाप तान विस्तार तक नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ मुखड़े ख्याल की रचना पर और उसको कैसे सजाते हैं, सुसज्जित करते हैं, उस पर बात करेंगे। आलाप तान पर हम किसी और दिन बात करेंगे कि वेरिएशंस कैसे लाए जाते हैं, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले हम ख्याल की जो रचना है उसको और कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपके सामने जो गाया था उसमें भी आपने नोट किया हो कि जो बेसिक कंपोजिशन थी वो एक थी, वो एक ढांचा था, एक जो उसका स्ट्रक्चर था, उसके अलावा भी मैंने कई प्रकार से उस ख्याल को गाया। जो एरी आली पिया बिन, पी पे उसका सम था, पिया पे उसका सम है, तो जो नौ मात्राएं मैंने खिलाई हैं अलग अलग ढंग से कोशिश करी है, वो क्या था और कैसे होता है वो हमें जानना होगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब हम राग के ख्याल की रचना को थोड़ा बदलते हैं तब वो चीज़ मुमकिन होती है। जो कंपोजिशन होती है एक, उसके अंदर छोटी छोटी सब कंपोजिशंस भी होती हैं। सब कंपोजिशंस मतलब उसके अंदर अंदर छोटे छोटे वेरिएशंस, है ना। यानी एक तो तरीका है एरी आली को गाने का, एरी आली, है ना, ये एक तरीका है। दूसरा एरी आली, तो ये क्या किया मैंने, उन्हीं मात्राओं में, उन्हीं चंद नौ मात्राओं में जिसमें हमने एरी आली ये था, और उसी में एरी आली पी, उन्हीं मात्राओं में वो वेरिएशंस किए। वो कैसे मुमकिन हुए, हम बदलते हैं कई बार लय और कई बार मात्राएं। अभी मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ वो ये है कि उसका छंद और लय बदल रहा हूँ लेकिन मात्राएं नहीं बदल रहा हूँ, मैं नौ ही मात्रा में ला रहा हूँ उसे, है ना। एरी आली एरी आली, है ना, ये मैंने उन्हीं नौ मात्राओं में उस ख्याल की जो मुखड़ा था, मुखड़ा क्या होता है, जो सम से पहले का पार्ट है, है ना, जो सम आना, जो जिसमें सम दिखता है, तो उसको हम सजाते हैं। अब क्या होगा, कई बार जब आप आलाप ताने करेंगे, विस्तार करेंगे, तो वो निश्चित नहीं है कि किधर से उठी हैं, आपका जहाँ मन पड़ता है आप उस मात्रा से उठा सकते हैं, है ना, लेकिन वो उसके बाद क्या होता है, वो उसको लाना कहाँ तक होता है, उठा तो लिया, है ना, उसकी उठान तो ठीक है, पर लाओगे कहाँ तक, उसको लाते हो आप या तो मुखड़ा पकड़ते हो या सम पकड़ते हो। अब सम तो नहीं बदल सकता भाई, सम तो सम है ना, पहली पे ही आ रहा है जो वहीं आएगा, लेकिन मुखड़ा जो है वो बदला जा सकता है। जैसे कि ये नौ से आ रहा है, कोई आपकी तान जो थी वो आठ की जगह नौ में आ गई, तो मुखड़ा दस से भी उठ सकता है। तो अगर दस से उठता है तो कैसे उठाओगे उसे, क्योंकि अगर वैसा का वैसा उठाया तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वैसा का वैसा तो वो नौ में निबद्ध है, उसको बदलना होता है, वहाँ थोड़ी लयकारी करनी होती है। अब यही सारी चीज़ें, ये जो सारे वेरिएशंस हैं, इनको करने के लिए, सीखने के लिए क्या बेस जरूरी है, अगर लय लयकारियाँ नहीं करी हैं अलग अलग तालों में तो कैसे मुमकिन है यहाँ पर। क्योंकि पहले आप ताल पक्ष से लयकारियाँ करते हो, अलग अलग तालों को अलग अलग लयों में गाते हो, बजाते हो, फिर अलंकारों को अलग अलग लय में करते हो, तो ये जो लय है इसमें ताल पक्ष भी आ गया, स्वर पक्ष भी आ गया, फिर वही तो यहाँ हो रहा है रागों में, और क्या हो रहा है, यही तो तरीका है। संगीत प्रवाह वर्ल्ड में अगर हम बताते हैं कि राग सिखाने से पहले हम इतना सब कुछ सिखाते हैं तो लोग कहें कि ये फिजूल वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हम, है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तभी तो आपका दिमाग उस लेवल का बन पा रहा है कि अब यहाँ पर आके वो वेरिएशंस आप कर सकते हो, है कि नहीं, है ना। तो आइए उस पर ही चर्चा करते हैं, अभी पॉइंट पर रहते हैं कि जो नौ मात्रा का है तो कैसे जा रहा था वो, एरी आली पिया बेना सखी एरी आली, एरी आली पिया बेना, साथ में ले आया, एरी आली, एरी को हल्का जल्दी बोल दिया। अब यहाँ कोई हिसाब नहीं है कि एरी की दोगुनी करी या तीन गुनी करी या चार गुनी करी, वो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जब लयकारियाँ वो सारी करी होती हैं और वो जहन में होती हैं ना, तो आपको पता है कि इतना सा बढ़ाना है और आ जाएगी। अब ये भी है कि वो खूबसूरत भी लगना चाहिए, हम मुखड़े को यहाँ सजा रहे हैं, तो सजाया है तो कौन सी चीज़ कहाँ लगी है चेहरे पर, मुखड़ा यानी चेहरा है, अब उसको सुसज्जित करना है तो कोई सी भी चीज़ कहीं भी तो नहीं लगा देंगे ना, निश्चित मात्रा में है कि अगर काजल लगाए तो निश्चित मात्रा में लगाए, वो अगर लाली लगी है तो निश्चित मात्रा में, बिंदी लगी तो छोटी बड़ी कैसी लगी है, अगर चेहरा सजाया जा रहा है तो वो उस अनुसार है, है ना। तो यही है कि अब इसमें अगर आप गाना चाहो एरी आली पिया, ये भी तरीका है, पर ये वो उतना खूबसूरत नहीं लगा, वो सजा नहीं पाए, तो उसको सजाने के लिए थोड़ी मात्राएं इधर उधर, थोड़ा गैप इधर उधर करना पड़ता है, और ये अभ्यास से मुमकिन है।
एरी पिया बेना एरी पिया बेना, ये इसको बोल आलाप कह देंगे कि हमने उसके जो ख्याल के शब्द थे उसमें आलाप कर दिया, वो बोल आलाप हो गया। खैर उस पर हम बाद में जाएंगे। तो ये तरीका है, और ये कैसे करेंगे आप, इसका अभ्यास करेंगे कि जो भी आपका ख्याल हो वो जितनी भी मात्रा में आ रहा हो, अगर नौ का है वो नौ मात्रा में आ रहा है, तो धीरे धीरे उसका वेरिएशंस कीजिए कि उसको कोशिश कीजिए सात में लाने की, कोशिश कीजिए आठ में लाने की, कैसे ला पाओगे, है ना। अभी जैसे ही हमारा नवी से उठता है आठ में आता है ना, पर ये जो ख्याल है ये बेसिकली सात से उठता है, एरी सखी एरी आली, सखी से उठता है ना, तो हम एरी से भी अक्सर इसको उठाया करते हैं। तो अब एरी अगर यहाँ से उठ रहा है तो एरी आली। अब मैं आपको एक एक करके मात्राएं कम करूंगा और बताऊंगा कि कैसे मुमकिन हो रहा है वो। एरी आली पिया बेना, 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 है ना। तरीके हैं। अब इसमें भी तरीका था, आली को पहले मैंने आली पिया ऐसे लिया, और फिर एरी आली पिया एरी, एरी को जल्दी ले लिया। तो ये तरीके हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ आएंगे कि कैसे आपने वो ख्याल बदला है। अब अगर थोड़ा सा पहले से उठाओ तो एरी आली पिया बेना, ये भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जो कंपोजिशन है बदल रही है, जाहिर सी बात है जो धुन आपकी ऐसा है कि उसका जो ढांचा है वो वैसा रहना चाहिए, जो ऊपर से निषाद से अगर षड्श से जहाँ से भी आ रही है और गंधार ऋषभ जहाँ तक भी आ रही है वहाँ तक आनी चाहिए। ये तरीके हैं, ये कहते हैं कलाकार वाली गायकी है ये, है ना। ये बच्चों वाली गायकी नहीं कि एरी आली कि जितनी मात्राएं हैं उतनी मात्रा में निश्चित गा दिया, है ना। फिर क्या होता है, इसमें तिहाइयाँ भी लगाई जाती हैं, लेकिन वो और आगे का टॉपिक है, तिहाइयों पर किसी और दिन अपन चर्चा कर सकते हैं। तिहाइयाँ हुई, उसके आलाप हुए, उसके वेरिएशंस हुए वो, लेकिन अभी जो एक्सरसाइज जो आप लोगों को करने की है वो ये है कि जो भी आपका जितनी भी मात्रा का मुखड़ा है, जो भी राग है, जो भी ख्याल है, उसके मुखड़े को बदलने की कोशिश कीजिए। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ मुखड़ा बदलेगा, है ना, जैसा कि मैं आपको करवा भी रहा था कि बीच बीच के शब्द भी बदलेंगे, है ना। अब जैसे एक गायकी होती है जिसमें लय छोड़ के भी गाया जाता है, एरी। अब मैं थोड़ा सा आपको गा के दिखाता हूं, एरी आली पिया बेना, एक सखी एरी आली पिया बेना, सखी एरी आली पिया बेना, एरी आली पिया बेना, सखी पिया बेना, सखी एरी आली पिया बेना, सखी आली पिया बेना, सखी कलना परत मोहे, कलना परत मोहे, वर्ण कैसे आएगा, कलना परत मोहे, कलना प, बीट टू बीट, लेकिन अपन कैसे गा रहे हैं, कलना परत मोहे, घारी पल छे न देना, पिया बेना, सखी आली। तो ये चीजें समझने की हैं कि बीच बीच में भी वेरिएशंस किए जा सकते हैं। जैसे जा रहा है, पिया बेना सखी कलना परत मोहे, ये जा रहा है, हम कैसे गा रहे हैं, एक छोड़ दी, कलना परत मोहे, सा घरी पल छेना देना, घरी पल छेना देना, ये बराबर है, और हम गा रहा घरी पल छेना देना, समझ रहे हैं। तो ये कब मुमकिन है,
जाहिर सी चीज़ है कि जब तक बराबर की बांट बांट की गायकी नहीं आएगी तब तक आप वेरिएट भी नहीं कर सकते। ये भी चीज़ मुमकिन नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि पहले ही दिन से राग की गायकी ऐसी होती है, पर ये चीज़ जानना ज़रूरी है, इसका अभ्यास करना ज़रूरी है कि जो मुखड़े हैं उसके अलग अलग वेरिएशंस है ना। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे मुखड़े को सजाया जाता है ख्याल के, है ना। अब इसका अंतरा भी जाएगा तो वो भी ऐसा ही जाएगा। जब से पिया, जब से पिया परदेस गमन केनो, जब से पिया परदेस गमन केनो, जब से पिया परदेस गमन केनो, रतिया कटत मोरी तारे गेन गेन आली पिया बेन आली पिया बेन आली पिया, है ना। समझ रहे हो आप कि कैसे मैंने उसके वेरिएशंस अलग अलग आपको गा के दिखाए हैं। तो ये धीरे 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 हम अभ्यास करेंगे इस चीज़ का कि अलग अलग तरीकों से गाएँ उसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप इस सब चीज़ों को, और आप लोग भी जान चुके होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा था कि ख्याल गायकी अगर करनी है तो इस ढंग से करो तो एक कलाकार अंग लगता है, वरना वो स्टूडेंट अंग लगता है जो गायकी है। इसमें जाहिर सी चीज़ है कि स्वर का पक्कापन चाहिए, लय का पक्कापन चाहिए, ताल का पक्कापन चाहिए कि ताल की बांट आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ कितनी मात्राएं जा रही हैं, लय कौन सी आप यूज़ में ले रहे हैं, वेरिएशंस चाहिए, और स्वर का पक्कापन तो जाहिर सी चीज़ है चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, एंड रियाज ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।